जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूँगी जो शायद ही आप में से कोई जानता हो। उससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपके विवाह का समय नज़दीक आ रहा है और आपके विवाह के संयोग बन रहे हैं, आपका विवाह होने वाला है, तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं जिन्हें कि अज्ञानतावश हम नहीं पहचानते हैं, परंतु ईश्वर हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आपका विवाह का समय नज़दीक आ रहा है और आप अब खुश हो जाएं और अपनी चिंता को छोड़ दें और अपने विवाह की तैयारी में जुट जाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उनमें से कुछ संकेत क्या हैं। पहला संकेत, यदि आप या आपके माता पिता कोई भी मंदिर जाते हैं या घर में ही भगवान को माला या पुष्प अर्पित करते हैं, तो उनका नीचे गिर जाना, अर्थात माला का या पुष्प का नीचे गिरना, आपके सम्मुख आ जाना, एक तो यह संकेत होता है कि आपके विवाह का समय पास आ गया है, मतलब आपके घर में कुछ शुभ कार्य हो रहे हैं। आप उस समय अपने मन मस्तिष्क में जो भी बातें सोचते हैं, जिस भी इच्छा के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए, उस समय अगर ये फूल माला गिरती है तो आपका वह कार्य माना जाता है कि शीघ्र ही होने वाला है। दूसरा संकेत होता है, यदि आपको स्वप्न में पीला वस्त्र पहने कोई भी इंसान दिखे, तो इसका मतलब कि आपका विवाह का समय अत्यंत नज़दीक आ चुका है। यह बहुत ही शुभ संयोग और शुभ संकेत होता है। तीसरा संकेत होता है कि आपको अक्सर नए वर-वधू दिखाई देते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अचानक से आपके सामने नए वर-वधू या शादी के लिए जाती हुई तैयार सजी हुई गाड़ी, बारात, इस तरह से कुछ भी दिखाई पड़ना, मतलब आपका शादी का समय निकट आ चुका है। और चौथा होता है, पूजा करते समय उबासी का आना, आँखों से आंसू आना, बिना किसी कारण के ही आपके आँखों से आंसू आने लगते हैं, तो यह सारे संकेत होते हैं कि आपका विवाह का समय नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा लाइक शेयर भी करिएगा, जिससे कि इसमें बताई गई जानकारी का हर कोई लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री राधे।